बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, और हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, फ्राडियों, बहरूपियों और ठगबाजों से भी बच कर रहें। आज प्रोग्राम तो नाज़रीन मैंने करना था एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालिक हैं खोखर और जो उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हाफजा इंजीनियर अरूज के ऊपर, लेकिन आपको मालूम है कि एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ अब एक पुराना नौसरबाज जो मलिक नवीद का राइट हैंड था नाज़िम राजपूत, वो भी इस कंपनी के साथ जुड़ चुका है और पाकिस्तान में पहला बिज़नेस आया है कि आप उनके पास इन्वेस्टमेंट करें, वो फर्नीचर खरीदेंगे, उसके बाद वो फर्नीचर भेजेंगे। कल आपको प्रोग्राम में एसके ग्रुप की हकीकत बताऊँगा, लेकिन आज प्रोग्राम जो स्मार्ट ग्रुप के ऊपर कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि अब स्मार्ट ग्रुप के जो नौसरबाज हैं वो ताहिर नसीर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। स्मार्ट ग्रुप के नौसरबाज ताहिर नसीर को मुख्तलिफ लोगों से कॉल्स करवा रहे हैं। स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नौसरबाज ताहिर नसीर के ऊपर रोप दबदबा डलवाने के लिए मुख्तलिफ महकमों से कॉल्स करवा रहे हैं। मेरा तो पहले दिन से दावा है कि स्मार्ट ग्रुप गैर कानूनी है। मेरा पहले दिन से दावा है कि स्मार्ट ग्रुप का कोई फिज़िकल बिजनेस नहीं है। मेरा पहले दिन से ये भी दावा है कि स्मार्ट ग्रुप के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं नवीद अख्तर, जो एक अटॉर्नी के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि अटॉर्नी किसी की इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा तो पहले दिन से दावा यह है कि स्मार्ट ग्रुप के पास मुजारबा का लाइसेंस नहीं है। अब मेरा ये दावा भी है कि जो नवीद अख्तर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं तो शायद तो उन्होंने वो ला नहीं पड़ा कंपनीज़ ला, तो या वो पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ समझ के मज़ीद बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। नाज़रीन स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ये आप PDF देखें जो हमें मौसूल हुई है, और इसमें आप देख लें कि किस तरह का ये फ्रॉड कर रहे हैं। पहले तो आप इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस और फिर अबाउट अस, और फिर नीचे स्पेशली ये इनके बिजनेस देखें। बिजनेस में ये कह रहे हैं अख्तर एंड अख्तर प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर। फिर ये लिख रहे हैं स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड SCO डिजिटल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग, और फिर स्मार्ट आइलैंड प्राइवेट लिमिटेड डिवेलपर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। ये दावा कर रहे हैं कि इनके जो बिज़नेस हैं नो बिज़नेस हैं, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ CCTV कैमरों की वीडियो लगा दी है। IT सॉल्यूशंस हैं, वो भी एक तस्वीर लगा दी है। सोलर पावर है, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, जनरल ट्रेडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, पावर सॉल्यूशंस हैं। अब नाज़रीन ये फिर CEO का मैसेज है, फिर सबसे अहम ब्रॉन्ज़े प्लान इनका देखें कि 100 PV to 2400 PV अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेवल 1 में जो टीम का बोनस है 8% है, प्रॉफिट 4% है, फिर लेवल 4 पे चले जाते हैं 1% प्रॉफिट है। फिर इनका सिल्वर प्लान है 2500 से 10,000 तक, लेवल 1 में टीम का 9% बोनस है, प्रॉफिट 5% है, और लेवल 5 में वही 1%। फिर गोल्डन प्लान है 11,000 से 25,000, इसमें टीम का बोनस लेवल 1 पे 10% है, प्रॉफिट शेयर 5% है, और लेवल 6 है गोल्ड प्लान में, और लेवल 6 में 1% है। फिर प्लाटीनियम है 26,000 से 50,000, उसमें लेवल 1 का जो टीम का बोनस है 10% है, प्रॉफिट शेयर 5% है, इसमें लेवल 7 रखे गए हैं 1% है। फिर इन्होंने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं और कहते हैं कि जी आपके जितने भी पैकेजेस हैं 14 से 18 माह में वो एक्सपायर हो जाएंगे। एट एवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ यू विल डिलीवर योर मंथली ROI एंड प्रॉफिट शेयर विद इन 5 डेज मार्जिन, कि 5 दिनों में आपके ये प्रॉफिट देंगे। डायरेक्ट कमीशन एंड लेवल कमीशन वो कह रहे हैं 72 घंटों में आपके मिलेगा। मिनिमम विड्रॉ 30 PV है, मिनिमम पैकेज 100 PV की है, विड्रॉ फीस 5% है। पैकेज विल एक्सपायर फॉर इन्वेस्टर 2x और पैकेज विल एक्सपायर फॉर सोशल सेल्स टीम 5x। KYC मस्ट फॉर इंडिविजुअल विद नेक्स्ट ऑफ किन डॉक्यूमेंट्स एंड NIC, वो सारा कुछ मांग रहे हैं। इफ़ अनएबल टू एक्टिव योर पैकेज विद इन 7 डेज योर अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। थैंक यू। नाज़रीन ये आपने इनका PDF जो इन्होंने बनाई है, अच्छा ये PDF बनाने वाला इमरान कियानी है। इमरान कियानी हुआ है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। इमरान कियानी साहब, ताहिर नसीर का आप जितना मर्ज़ी डाटा निकाल लें, ताहिर नसीर के ID कार्ड का डाटा निकाल लें, आप CDRM ही निकलवा लें, लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ कि जो हवाओं में बातें करता हूँ। मैं जो बात करता हूँ डंगे की चोट पर बात करता हूँ। अगर आप मुझे कॉल्स करवा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, तो आप तो 2 नंबर है। इसका मतलब ये है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो इदारों में अफसरान बैठे हुए हैं, जो आपका FIA का एक बहुत ख़ास आप बता रहे हैं, जो दोस्त है, जिनकी कॉल भी आई है, अब उन डायरेक्टर साहब के मतलब ताहिर नसीर प्रोग्राम करेगा और बताएगा कि ये वो FIA के ऑफिसर हैं जो इन नौसरबाजों को प्रोटेक्ट करते हैं,
ये वो FIA के ऑफिसर हैं जो इन नौसरबाजों को राह दिखाते हैं कि आपने किस तरह स्कैम करना है। इमरान कैनी साहब, मैंने पहले दिन आपको कहा था आप मुजारबा का लाइसेंस ले आएँ, मैं आपके हक में प्रोग्राम करूँगा। आप तो नौसरबाजी कर रहे हैं, अब आप ड्रा धमका रहे हैं, कॉल्स करवा रहे हैं। नवीद अख्तर साहब, कहाँ से आपने चार्टर्ड CA किया हुआ है, थोड़ा हमें भी बता दें कि कहाँ से ऐसा CA किया गया है कि जिसमें आपको कंपनीज ला का नहीं पता। आप तो टोटली नौसरबाजी कर रहे हैं, 9 प्रोजेक्ट आपने बताए हैं, मुझे बता दें कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं, कैसे आप जो है सोलर पैनल का अगर आप बता रहे हैं, IT सॉल्यूशंस का आप बता रहे हैं, कैमरों का आप बता रहे हैं, कहाँ पे कोई आपकी क्लाइंट है तो वो भी हमें बता दें, हम उस पर भी प्रोग्राम करेंगे कि जनाब जो स्मार्ट ग्रुप वाले हैं वो यही वाले प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। तो धमकियों से, कॉल से ताहिर नसीर डरने वाला नहीं है। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 मुकदमात जिन लोगों ने मुझे धमकियाँ दी हैं, जिन्होंने मेरे घर में बुलेट तक फेंकी हैं, वो मुकदमात दर्ज हैं। तो नवीद अख्तर साहब, इमरान कैनी साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि कॉल्स करवा के हसास इदारों से, एजेंसियों से तो दबा लेंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं। अब अगर नेक्स्ट टाइम आपकी जानिब से किसी की कॉल आई किसी भी हसास अदारे की या किसी ऑफिसर की, तो जो निगरान वज़ीर दाखला है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर नसीर सवाल करेगा कि नौसरबाजों को ऐसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर अगर हम इनकी असलियत दिखाएं तो ये धमकियाँ देते हैं, तो आप ये भी बता दें नवीद अख्तर साहब या इमरान कैनी साहब, आप उन लोगों को कितना कमीशन देते हैं, वो आपके साथ कितने शेयर होल्डर हैं, क्योंकि इस तरह तो कोई कॉल नहीं करता। आपको ये बात बता दूं, आप नौसरबाजी कर रहे हैं तो मैं तो इसी तरह लबकुशाई करता रहूँगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डरा लेंगे, धमका लेंगे, आवाज़ बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो खुदारा आप अपना किबला दुरुस्त करें, ताहिर नसीर आपका साथ देगा, लेकिन आप नौसरबाजी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, रूप बदल बदल कर लोगों को लूटने की कोशिश करेंगे, तो ताहिर नसीर लबकुशाई करता रहेगा। ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े नौसरबाज आए हैं, बड़े बड़े बहरूपिये आए हैं, बड़े बड़े लुटेरे आए हैं, फ्राडिये आए हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ इसी तरह बुलंद करते रहे हैं। हमारा तो काम है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि खुदा रहा ऐसी कंपनीज जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती हैं वो फ्राड हैं, क्योंकि इनका कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं है। आपने कहा जी अल हयात पे आप प्रोग्राम नहीं करते, तो मैंने आपको बता दिया कि अल हयात के ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं, उनका फिजिकल प्रोजेक्ट है। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ, मोती बाजार उनका फिजिकल प्रोजेक्ट है। आप अभी भी फेज़ 8 में चले जाएँ तो वहाँ पे जो इनके डेवलपर्स बैठे हैं वो उनके नहीं हैं, बल्कि वो इंतज़ामिया के, आप उनसे पूछ लें कि वो फ्लैट वहाँ पर कितने हैं उनके, आप भी फिजिकल प्रोजेक्ट लें। इमरान कैनी साहब, आपने अपने साथ एक बारिश आदमी लाया था, वो कह रहा था जी मेरी हाउसिंग सोसाइटी है, तो कहाँ पे वो हाउसिंग सोसाइटी एग्जिस्ट करती है हमें भी बताएं। तो ये याद रखिएगा कि धमकाने से, धमकियाँ देने से, ड्रावा देने से, कॉल्स करवाने से हमारी ज़ुबान बंद नहीं होगी। आप फिज़िकल प्रोजेक्ट लेके आएँ, आप मुजारबा का लाइसेंस लेके आएँ, तो हम आपके हक में प्रोग्राम करेंगे। SECP ये कहता है कि जिस कंपनी के पास मुजारबा का लाइसेंस नहीं है वो किसी से भी इन्वेस्टमेंट नहीं उठा सकता। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए और इन नौसरबाजों से खुदारा बच के रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।